नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रणब चौधरी सिविल पाठशाला में आप सभी को स्वागत है दोस्तों कुछ दिन से मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पाया तो आज से मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा ये मेरा वादा है आप लोगों से एंड आज जो प्लान है ये बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट के हिसाब से है आप लोग जानते ही है कि मैं सब्सक्राइबर के कमेंट के हिसाब से ही वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर तो आप लोगों को भी अपना प्लॉट के हिसाब से बनाना है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंड ये जो प्लान है बेसिकली 50 फीट बाय 40 फीट का है कॉर्नर प्लॉट है देख लीजिएगा दोनों साइड रोड आपको मिलेगा एंड कॉर्नर प्लॉट में दो एंट्रेंस आपको मिल जाएगा दोनों साइड से ये जो प्लॉट है ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है ये हो गया फ्रंट ओके ईस्ट फेसिंग प्लॉट है 50 फीट बाय 40 फीट का टोटल 2000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है बिल्डिंग कॉस्टिंग कलम पोजीशंस, वॉल साइज सारा कुछ आप लोगों से डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पे करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि ऐसे ही नया नया इंडियन हाउस प्लान हम लोग इसी वीडियो इसी चैनल पे डिस्कस करते हैं एंड आप लोगों को भी अच्छा नॉलेज देते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग का जो मेन एंट्रेंस रहेगा ये हो गया मेन एंट्रेंस यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे एंड सेकेंड जो मेन एंट्रेंस रहेगा ये वाला ओके okay, तो फर्स्ट हम लोग ईस्ट फेसिंग जो बोले हैं आपको ईस्ट फेसिंग से ही एंट्रेंस दिखाते हैं रोड से हम लोग देखिएगा एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक गैरेज मिलेगा ओके okay, गैरेज का जो साइज़ रहेगा फ्रेंड्स थर्टीन फीट बाई फोर्टीन फीट टेन इंची ओके एंड इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे एक सीट आउट दिया गया है ओके टेन फीट फोर इंची बाई थ्री फीट सिक्स इंची ओके दोस्तों एंटर करेंगे हम लोग ये डोर से ये जो डोर है फ्रेंड्स फोर फीट का डोर दिया जाएगा इस डोर से एंटर करेंगे तो हम लोग लॉबी एरिया में आ जाएंगे लॉबी या, या आपको लिविंग एरिया भी कह सकते हैं ये टोटल लिविंग एरिया हम लोग इसको कहते हैं लिविंग एरिया जो साइज़ रहेगा फ्रेंड्स टेन फीट फोर इंची बाई नाइनटीन फीट टू इंची तो ये एरिया आपको मिल जाएगा ये एरिया मैं बाद में डिस्कस करूंगा उससे पहले मैं ड्राइंग एरिया में आऊंगा देखिए ये जो एंट्रेंस देख रहे हैं इस डोर से हम लोग ड्राॅइंग एरिया में आएंगे ओके ये जो ड्राइंग एरिया है फ्रेंड्स ये आपको साइज मिलेगा थर्टीन फीट सिक्स इंची बाई फोर्टीन फीट का ओके प्रोपर आप यहाँ पे सोफा वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं ये जो ड्राइंग एरिया है इसका जो वेंटिलेशन है फ्रंट से दिया गया है फाइव फीट का ओके एंड इसके बाद देख लीजिएगा ड्राइंग एरिया से ही हम लोग यहाँ पे आर्क दे के किचन का डोर प्रोवाइड किए हैं देख लीजिए ये जो डोर है इस किचन में आने के लिए ओपन किचन रखा गया है देखिए मॉड्यूलर किचन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं ओके देखिए किचन में वेंटिलेशन के लिए हम लोग फ्रंट पे फोर फीट का विंडो प्रोवाइड किए हैं ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो एंट्रेंस रहेगा नेक्स्ट एंट्रेंस हम लोग देखेंगे ओके यहाँ पे भी एक सीट आउट हम लोग प्रोवाइड किए हैं फ्रेंड्स देखिए सीट आउट का जो साइज़ रहेगा थ्री फीट सिक्स इंची बाई नाइन फीट सिक्स इंची का ओके इधर से भी एंट्रेंस रहेगा एंड यहाँ पे भी एक विंडो प्रोवाइड किया जाएगा थ्री फीट बाई फोर फीट का ओके तो ये जो लॉबी एरिया है प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा इधर से भी एंड इधर से भी ओके एंड इसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पे एक लॉबी कम स्टीयर सेक्शन है ओके स्टीयर सेक्शन और लॉबी में एक ही साथ आपको मेजरमेंट बताता हूँ ट्वेंटी फोर फीट सिक्स इंची लेंथ मिलेगा यहाँ तक एंड यहाँ पे नाइन फीट सिक्स इंची वर्द मिलेगा ओके थ्री बी एच के का यहाँ पे प्लॉट आपको दिया जा रहा है फर्स्ट जो हम लोग बेडरूम डिस्कस करेंगे ये वाला बेडरूम इस डोर से हम लोग एंटर करेंगे तो फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा ट्वेल्व फीट बाई थर्टीन फीट टेन इंची सेकेंड बेडरूम फर्स्ट बेडरूम में देखिए क्या क्या हम लोग प्रोवाइड किया है यहाँ पे एक बेड प्रोवाइड किया है एंड प्रॉपर वार्ड्रॉप वगैरह यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड किए हैं इंटीरियर में थोड़ा हम लोग कोशिश किया है ध्यान देना तो आप देखिए अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं ओके नेक्स्ट बेडरूम देख लीजिएगा यहाँ पे 11 फीट 6 इंची बाई 13 फ़ीट 10 इंची का इस डोर से इंटर करेंगे प्रॉपर वेंटिलेशन फाइव फीट का दिया गया है ओके थर्ड बेडरूम जो है ये मास्टर बेडरूम है 14 फीट 4 इंची बाई 13 फीट 10 इंची का ये इस डोर से हम लोग एंटर करेंगे तो मास्टर बेडरूम में हम लोग एक टॉयलेट कम बात प्रोवाइड किए हैं ये जो टॉयलेट कम बात है ये नाइन फीट बाई सिक्स फीट का है प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ इस ये जगह से हम लोग एंटर करेंगे ये डोर है टॉयलेट का ओके नेक्स्ट जो कॉमन टॉयलेट है ये है कॉमन टॉयलेट ओके नाइन फीट बाई सेवन फीट फोर इंच का ठीक है ये जो डोर देख रहे हैं इस डोर से हम लोग एंटर करेंगे एज़ पर वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोग ये प्लान रेडी किए हैं प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं ईस्ट फेसिंग प्लान है ये जो बिल्डिंग है ये टोटल ग्राउंड फ्लोर बनाने में ट्वेंटी फाइव लैक्स खर्चा आ सकता है फ्रेंड्स ओके okay, अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट टेक्निकल नॉलेज में आएंगे देखिए इसका जो आउटर जितना सारा वॉल देख रहा है फ्रेंड्स आउटर वॉल मैं टॉप से आप लोगों को दिखा दूँ ये जो आउटर वॉल देख रहे हैं ये टेन इंची का प्रोवाइड किया गया है ओके एंड इनर जितना सारा वॉल देख रहा है ये सिक्स इंची का प्रोवाइड किया गया है ओके okay, okay, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कितना सारा कलम आ सकता है देखिए फ्रेंड्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एट्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी पीस कलम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ये ट्वेंटी पीस एकदम नीड है ये दरकार है ट्वेंटी पीस कलम इससे ज़्यादा आप दे सकते हैं तो ठीक है नहीं तो ट्वेंटी पीस एकदम मिनिमम है ओके तो ये प्लान अगर आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही नया नया इंडियन हाउस प्लान हम लोग डेली अपलोड करते हैं तो आपको भी अपना प्लान दिख जाएगा इसी चैनल पे तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच जय हिंद वंदे मातरम